नमस्कार, आज चर्चा करेंगे वास्तु फॉर फ्लैट्स के पार्ट टू के वीडियोस पर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि यदि आप नया घर यानी कि फ्लैट देख रहे हैं परचेज करने के लिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको उसको परचेज करते वक्त, ताकि आप उसको वास्तु सम्मत ले सके। आइए एक फ्लैट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आपने वो फ्लैट ले लिया तो बहुत उत्सुकता होती है कि अपने अपने बेडरूम्स को चूज किया जाए, बेटा कहाँ रहेगा, बेटी कहाँ रहेगी, है ना, मेरे को गेस्ट बेडरूम कहाँ बनाना है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तीन बेडरूम का एक फ्लैट है जिसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बेड को जो कि ईस्ट डायरेक्शन का बेडरूम है, आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन भी है, तो आइए समझते हैं। देखिए, इसका जो बेड है उसका जो फेसिंग है वो कहां है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, जो कि फेसिंग जब हम सोएं तो हमारा सर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसी बेड को आप ऐसे शिफ्ट करके और आप अपना हेडसेट अपने सर का हेड सर इस तरफ कर लेंगे तो ये बेडरूम वास्तु सम्मत हो गया। आइए दूसरा बेडरूम समझते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बना हुआ है, इसको भी ऐसे ही हम बेड को शिफ्ट करके यहां पर अपना हेड कर लेंगे तो ये बेड मतलब मेरे सोने के लिए बेहतर हो गया। देखिए, इस बेडरूम की चर्चा करते हैं। देखिए, इन दोनों बेडरूम्स को यहां शिफ्ट किया गया है लेकिन इसको ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, क्यों, इसके बीच में जहां पर मेरा ये सर आएगा, ये डायरेक्शन क्या है, डिप्रेशन का जोन है ये, यदि मैं यहां पर अपना हेड रखूंगा तो नींद की समस्या आएगी और डिप्रेशन में जा सकता है जो भी व्यक्ति यहां सोएगा। तो क्या करना है, इस बेड को आपको यहां रख के, यहां प्लेस करके आप अपना फेसिंग कहां कर लेंगे, ईस्ट में, ये बेडरूम भी आपका वास्तु सम्मत हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे वीडियोस में चर्चा करूंगा कि कलर्स क्या होने चाहिए, कहां पर एलमिराज प्लेस होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन अभी सिर्फ बेडरूम के माध्यम से समझते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है आज का, किचन। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि किचन की फेसिंग कहां होनी चाहिए। ये बात सच है कि किचन की फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए जब हम खाना बनाएं, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, फ्लैट्स तो बने बनाए होते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, इस फ्लैट में जो ये किचन बनी हुई है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन का पोर्शन है ये, यूटिलिटी बालकनी है। देखिए, यहां पर चूल्हा कहां रखा है, इधर। अब आप क्या करेंगे ये सोचने के लिए कि मेरा बेडरूम, मेरा जो चूल्हा है वो नॉर्थ की तरफ मैं फेस कर लूं, आप इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। देखिए, यहां आपने शिफ्ट कर दिया लेकिन ये कहां आ गया, डिप्रेशन के जोन में। किस जोन में आ गया, डिप्रेशन के जोन में आ गया ये, इससे ये गलत हो गया, जबकि हम इसको यहीं की यहीं बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, यदि आप उस फ्लैट में रेनोवेशन करा रहे हो, इन दोनों से भी बेहतर डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्ट वेस्ट की जो ये लोकेशन है ये उससे भी बेहतर लोकेशन है। यदि हम इस किचन को के पत्थर को, उसकी जो हम फर्नीचर जो वहां पर लगाएंगे, जो एलमिराज बनाएंगे, उसके कलर को वास्तु सम्मत बना लेते हैं, येलो कलर का पत्थर यदि हम इस स्लैब के नीचे लगा देंगे, ये किचन वेस्ट में अमेजिंग रिजल्ट देगी। शनि की राशि यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में मंगल उच्च का हो जाता है, तो वेस्ट डायरेक्शन किचन रखने के लिए अमेजिंग लोकेशन है ये। ऐसा नहीं है कि किचन हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, ना, ये मिथ है। साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, वेस्ट डायरेक्शन और ये सारी दिशाएं किचन आराम से बैलेंस हो सकती हैं। अब देखिए, ये हो गया, तो आज हमने क्या समझा, बेडरूम्स, किचन, किचन की फेसिंग और किचन में वेस्ट डायरेक्शन में यदि किचन है तो वहां पर किस रंग का पत्थर और किस टोन की हमारे पास, हमें वहां पर वुडवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, जैसे टॉयलेट्स, कैश बॉक्स, एलमिराज और ऐसी बहुत सी चीजें, जब हम उस फ्लैट को जब आप रेनोवेट करा रहे हो तो आप उसको पूरी तरह से वास्तु सम्मत कैसे बना लें ताकि आप उसमें सुख और शांति से रह पाए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।